आफताब, ऐसा वहशी दरिंदा जिसके बारे में पूरा देश चर्चा कर रहा है। जो लोग फांसी या मृत्युदंड जैसी सजा के खिलाफ हैं, वो भी दरिंदे आफताब के लिए ऐसी सजा की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पहले दी जाने वाली कोई दर्दनाक मौत की सजा ही आफताब को दे देनी चाहिए। आफताब को क्या पहले जमाने की इन सजाओं में से कोई एक सजा देनी चाहिए? पहले आप जानिए कि किस किस तरह की दर्दनाक सजा दी जाती थी पहले। ग्रीस में लोगों को मेटल बुल की एक खास सजा दी जाती थी। इस सजा में एक सांड जैसे लोहे की आकृति होती थी, उसमें एक दोषी व्यक्ति को घुसा दिया जाता था और फिर नीचे से आग लगा दी जाती थी। इससे लोहा गर्म हो जाता और धीरे धीरे वो व्यक्ति लोहे के उस सांड में जलता रहता और उसकी मौत हो जाती। आयरन मेडन से दर्दनाक मौत देना। इस सजा में एक इंसान की आकृति की शेप का लोहे का एक सांचा होता है, इसमें इंसान को घुसा दिया जाता है और उसके गेट पर बड़ी बड़ी कील लगी होती हैं और फिर गेट को बंद किया जाता है। जैसे जैसे गेट बंद होते हैं तो वो कीलें इंसान के शरीर में घुस जाती हैं और धीरे धीरे वो व्यक्ति तड़पता हुआ मर जाता है। लिंगशी दुनिया की सबसे क्रूरतम सजा है। इस सजा का ये तरीका 10वीं सदी के चीन में इस्तेमाल किया जाता था। सजा के तहत दोषियों को पहले एक टेबल पर लिटाकर बांध दिया जाता और फिर धारदार हथियार से चीरे लगाने शुरू कर दिए जाते। इस सजा में दोषी के शरीर पर हजारों कट लगाए जाते थे। इसमें शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और कई देशों में अलग अलग तरीके से इंसान के टुकड़े करने की सजा दी जाती है। दरिंदे आफताब ने भी मासूम श्रद्धा के साथ कुछ ऐसा ही किया था। लोगों का कहना है कि ये सजा ही आफताब के लिए सबसे सही है। इस सजा से ही आफताब को उस दर्द का एहसास होगा जो दर्द उसने श्रद्धा को दिया था। पानी में उबालकर मारना भी पहले एक क्रूरतम सजा थी। सैकड़ों साल पहले मृत्युदंड देने के लिए दोषियों को उबलते हुए पानी, तेल या तारकोल में जिंदा डाल दिया जाता था। इस तरह की सजा का प्रचलन पूर्वी एशिया से इंग्लैंड तक था। कई मामलों में यह भी सुनने को मिला है कि पहले दोषी को ठंडे पानी में रखा जाता और फिर उसे वहां से निकालकर सीधे उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता। ये कुछ ऐसी सजा है जो पहले अपराधी दोषियों को दी जाती थी, लेकिन वर्तमान दौर में ऐसी सजा नहीं है। हाँ, अब भी कुछ देशों में चौराहे पर पत्थर मार मार कर मारने की या बीच चौराहे पर सबके सामने फांसी देने की सजा का रिवाज है। कुछ लोग इंसानों को मौत या ऐसी दर्दनाक सजा देने के खिलाफ हैं, लेकिन आफताब जैसे लोग इंसान तो कतई नहीं हो सकते। वो तो वहशी दरिंदे या शैतान ही हो सकते हैं। आफताब ने जिस शातिर तरीके से श्रद्धा के साथ ये घिनौना कृत्य किया है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसने अपने खिलाफ कोई सबूत ना छोड़ा हो, क्योंकि घटना को भी काफी समय हो गया है। आफताब कितना बड़ा दरिंदा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि श्रद्धा की हत्या के बाद भी उसने खाना मंगवाया, वहीं श्रद्धा के शव के साथ बैठकर खाना खाया। अब उसने खुलासा किया है कि उसने श्रद्धा के सिर को फ्रिज के फ्रीजर में रखा था। फ्रीजर में ठंडक की वजह से सिर बर्फ के गोले की तरह हो गया था। बताइए, आफताब ने कैसे प्यार का मजाक बना दिया। दिल्ली पुलिस ने इस केस में मेहरौली के जंगल से कुल 13 हड्डियां बरामद की हैं। फोरेंसिक टीम को भी आफताब के किचन से कुछ ब्लड स्टेन मिले हैं, मगर ये हड्डियां और खून के निशान किसी इंसान के ही हैं। इस बात का खुलासा तो फोरेंसिक जांच के बाद ही होगा। अब दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि मौका वारदात यानी आफताब के फ्लैट के किचन और बाथरूम की ड्रेनेज लाइन से कुछ न कुछ ऐसे सबूत जरूर मिलेंगे जिससे ये साफ हो जाएगा कि श्रद्धा वॉकर का कत्ल हो चुका है। लेकिन ये बस संभावना ही है। हो सकता है इस वैशी दरिंदे ने श्रद्धा के साथ साथ सबूतों को भी मिटा दिया हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपराधी ना चाहते हुए भी कोई ना कोई सबूत पीछे छोड़ ही जाता है। उम्मीद है यहाँ भी ऐसा ही होगा। ये वैशी दरिंदा आफताब भी कोई ना कोई सबूत छोड़ ही गया होगा, जिससे इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा होगी। आप देख रहे हैं N27 News, पकड़ हर खबर पर।